है तहफ्फुज़ का, इन्हें बचाओ कि ये फर्ज भी तुम्हारा है। मुझे बताओ ये उभरते हुए महनुमा अंधेरी कब्रों में बेवक्त जाके सो जाएं, अजीब नशे सफात की चली है रस्म कि जब जवान हो बच्चे तो कत्ल हो जाए। जनाने वाला, आज एक नई सदी हमसे चंद फासले पर है, लेकिन किस कदर अफसोस का मकाम है कि हम इस लानत में गिरफ्तार होकर खुद ही अपने हाथों से अपनी कब्र को खोद रहे हैं। क्या 21वीं सदी में दाखिल होते हुए कि जिसका तसव्वुर भी हमने तरक्की से मशरूत कर दिया है, हमारे सर शर्म से झुकना चाहेंगे? क्या एक बीमार कौम तरक्की की शाहरा पर मतलूबा रफ्तार से चल सकेगी? क्या ये बीमार जहन हर हर कदम पर हमारे आड़े ना आएंगे? जनाबे सर, पाकिस्तान का नौजवान उसकी शनाख्त है, उसकी बहादुरी और शुजात का निशान है, उसके मुस्तकबिल के मेमार हैं। लेकिन जब मैं इन नौजवानों को कराची की सड़कों पर दम तोड़ते हुए देखती हूँ तो मैं चिल्ला उठती हूँ कि इस नशे ने एक माँ की कोख ही नहीं उजाड़ी, बल्कि एक बाप से उसके बुढ़ापे की लाठी छीन ली, एक बहन से उसका आंचल, एक बीवी से उसका सुहाग और बच्चों से उनका मुस्तकबिल तक छीन लिया है। जनाबे वाला, इंतजारी मंशियात के हवाले से जब हमने कराची की एक कच्ची बस्ती का सर्वे किया तो वहाँ हमें नशे के बहुत से आदि अफराद नजर आए कि जिनमें से बेशतर अपना जहनी तवाजुन खो चुके थे। उन्हीं में से एक भूल बीबी नामी लड़की कि जो नई शादी शुदा थी, एक कोने में पड़ी किसी बुढ़िया की लाश दिखाई दे रही थी। उससे दरियाफ्त करने पर इल्म हुआ कि वो अपने शौहर को इस लानत से निजात दिलाने में खुद इसमें गिरफ्तार हो गई और आज घर शौहर सब कुछ खो चुकी है, इलाज चाहती है लेकिन उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। जनाबे वाला, ये नशे का है जहर, पैगामे मौत लाएगा, ये नशा न जाने और कितने घर जलाएगा, जिंदगी ना मिल सकेगी। बार बार सोच लो, कर रहे हो जान मौत पर निसार, सोच लो पीरगी के जहर से पाक किए जहां करो, इस खामोश कुछ तोपों की खत्म जाफना करो, चेहरे हयात पर यूं ही निखार आएगा, तेरे गिरफ्त जिंदगी जहां मुस्कुर आएगा। जनाबे वाला, इंतजारी मंशियात हमारा फर्ज़े ऐन है, लिहाजा आज हम तालिबे इल्मों को इस चैलेंज के मुकाबले के लिए इस मुहाज के खिलाफ डट जाना है, क्योंकि हम वही तालिबे इल्म हैं जिन्हें कायदे आज़म ने अपना हर अव्वल दस्ता कहा था और आज हमें फिर से कायदे आज़म का वही हर अव्वल दस्ता बनकर इस लानत के खिलाफ जिहाद बर्पा करना है। और हम अपने जिहाद में हर तबके को शामिल करेंगे, ख्वा वो डॉक्टर हो या इंजीनियर, ख्वा वो उस्ताद हो या ताजिर। हम सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों के साथ कदम से कदम मिलाकर दुनिया पर ये बात साबित कर देंगे कि इंसदादी मंशियात में ही हमारी बका है। और मुझे यकीन है कि जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। बदन जिए तराश करनी है, अपनी
में आ सकता है। कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में बने सभी की फैक्ट्रियों से चीन को अफ्यूम की तरकील की जा फिर एक वक्त ऐसा आया कि चीन के पास अफ्यूम खरीदने के लिए करेंसी खत्म हो गई। चीन के शहनशाह ने इस इल्लत के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। बरतानवी हुकाम को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने चीन पर प्रेशर कशी कर दी। नतीजतन मंशियात सदर चीन को शिकस्तें फांस गई और उसका इलाका हांगकांग बरतानिया की नजर हो गया। वही चीनी जब मंशियात से तायब होकर होश में आए तो अपना इलाका बागुजार करा। जनाबे सर, इसी के तनाजुर में हमें अपनी मुल्कियत का जायजा लेना होगा। आज हमारा मुआशरा अपना इस्लामिक तशख्खुस खो चुका है। इखलाकी दिवालियापन अपनी इंतहाई हदों को छू रहा है। तालीमी इदारे जिनका काम तकनीकी सलाहियतों को जिला पकड़ना और तहकीक को आगे बढ़ाना है मंशियात की आमाज का बन गए। आज हम अपनी सलाहियतों से कई दामन हुए हैं तो कसूर किसका है? चिराबे वाला मुझे बताइए कसूर किसका है, मेरा फकीरों की कमाई? जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। कबल इसके के दफों में उतर जाने वाले अंधेरे हमारी दुनिया को तारीफ कर दें और ये फानूस के शाना बशाना इस अमली जहाज में शामिल हो जाए और बदले अजीज को हमेशा हमेशा के लिए पाक कर दें, क्योंकि फातमाए मंशियात में ही हमारी वफा है। शुक्रिया। जनाबे आली वकार मफादात की जमीन पर उससे खौफ, मायूसी और महरूमी के जो बीज बोए गए थे आज वो तनावर दर्द की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इनकी शाखें फैलती जा रही हैं। आज का नौजवान अदम तहफ़ुज़, एहसास महरूमी, मुस्तकबिल से मायूसी और बेरोजगारी जैसे मसाइल के साथ साथ समाजी नाइंसाफियों और माशरती बदनवाइयों के अजाब से गुजर रहा है। यूं तो जनाब सदर समाजी मसाइल हर फर्द को मुतासर करती है, मगर नौजवान नस्ल माशरे की मरकजी ताकत होती है। अगर ये ताकत कमजोर हो जाए तो माशरा कमजोर हो जाता है। यही वजह है कि चंद मफाद परस्त अपने मफादात के हुसूल के लिए सबसे पहले इसी को निशाना बनाते हैं। वो जानते हैं कि अगर माशरे की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए तो माशा या कौम मफलूज होकर रह जाएगी। आज के नौजवान की रगों में मंशियात का जहर उतार कर उसे मफलूज किया जा रहा है। जनाबे आली वकार, आज हम हर सतह पर तवानाई के बहरान का शिकार हैं। सिर्फ बिजली, पानी और सियासत में नजरियाती सियासत ही का बहरान नहीं बल्कि दार और तहदीत का भी बहरान है। सदर मोहतरम, ये बहरान जान बूझ कर मुल्क दुश्मन अनासिर का पैदा करता है और इतने खुलदून के फलसफाए तारीख के तनाजुर में गैर मुनसिफाना रवैयों के साथ माशरा से तनजुल और टूट टूट की तरफ ही जा सकता है, जिसने एक नाराज नौजवान नज्म को जन्म दिया। ये नाराज नौजवान नज्म जब मेरिट का कत्ले आम देखती है, अजीम तवाजुन का उपदान देखती है, तो इसके अंदर भी अजीम तवाजुन पैदा हो जाता है। और इस वक्त जब माफिया अपने मफादात के एवज कौम का कीमती सरमाया जलाकर मंशियात का अंधेरा फैलाने में कामयाब हो जाते हैं। जनाबे वाला, ये वो आंख है जो महदूद नहीं रहती, इसकी सरहदें फैलती जाती हैं। ये इस्तेमाल करने वाले के जिस्मानी आजादी को मुतासर नहीं करती, रिश्तों के तकद्दुस को भी पामाल कर देती है। ये घर ही नहीं जलाती, कौम की उम्मीद और मुस्तकबिल को भी जलाकर खाक कर देती है। जनाबे वाला, एक फर्द को कमजोर बनाने के पीछे दरअसल पाकिस्तान को कमजोर बनाने की साजिश है। हमें जान लेना चाहिए कि अगर पाकिस्तान न रहा तब भी इस्लाम जिंदा रहेगा, और अगर इस्लाम न रहा तो पाकिस्तान अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकेगा। हमें अपनी नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए आज से कोशिश करनी होगी। एक मुस्तकम पाकिस्तान के लिए मुस्तकम किरदार के अफराद पैदा करने होंगे जो जहनी तौर पर इतने मजबूत और अपने मकासद में इतने वाजा हो कि मंशियात फैलाने वाले अपने मकासद में कामयाब न हो सकें। आज पाकिस्तान में 50 लाख अफराद मंशियात का शिकार हैं।
मगर बात इन 50 लाख की नहीं, ये 50 लाख खानदान है जिनके घरों में आग लगी हुई है। अगर इसका दायरा फैलता गया तो हमारी बका खतरे में पड़ जाएगी। हमें अपनी बका के लिए मंशियात के खात्मे में मिलजुल कर काम करना है। जनाबे आली वकार, हम किसी भी शोबे से ताल्लुक रखती हो, खाहुं तालिबे इल्म हो या उस्ताद, मंशियात को फैलने से रोकने के लिए आगे आना है, क्योंकि इसी में हमारी बका है। देखो तो जमीन आज भी है आतिशे नमरूद, देखो तो जमीन आज भी है आतिशे नमरूद, देखें इसे कब कोई गुलजार बनाए। शुक्रिया।